बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी इज इक्वल टू 9, ए माइनस बी इज इक्वल टू 9। इस दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू को फाइंड करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको नाम दें इक्वेशन नंबर 1 का, इसको नाम दें इक्वेशन नंबर 2 का। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 2 को लेते हैं, वो क्या है, वो है ए माइनस बी इज इक्वल टू 9। तो यहाँ ए नहीं है, ये वाला ए, इनको इस तरह लिख सकते हैं ना कि स्क्वायर रूट ए होल स्क्वायर, तो इनसे दोबारा ए आता है और बी को लेते हैं तो बी की जगह स्क्वायर रूट बी लिख देंगे, होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट बी होल स्क्वायर, तो इनसे भी दोबारा बी आता है। तो यहाँ ए की जगह इनको पुट करेंगे और बी की जगह इनको, तो यहाँ जाएगा स्क्वायर रूट ए होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। इसके बाद क्या करेंगे, हमें पता है रूल का, वो रूल क्या है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी के। तो इनको भी इस तरह करेंगे, यहाँ जाएगा स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर रूट बी इज इक्वल टू 9। इसके बाद क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी ए किसके बराबर है, गिवन में देख 9 के, तो यहाँ इनकी जगह 9 पुट करेंगे, तो यहाँ जाएगा 9 ब्रैकेट में स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर रूट बी इज इक्वल टू 9। इसके बाद दोनों साइड को 9 पर डिवाइड करेंगे, इसको भी 9 पर डिवाइड करेंगे और इसको भी 9 पर डिवाइड करेंगे, 9 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 9 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर रूट बी इज इक्वल टू 1 के। और इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ हम इक्वेशन नंबर 1 को ऐड करेंगे इक्वेशन नंबर 3 के साथ। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, वो है स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी इज इक्वल टू 9। और इक्वेशन नंबर 3 क्या है, वो है ये वाला स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर रूट बी इज इक्वल टू 1। इसके बाद क्या करेंगे, दोनों इक्वेशनों को ऐड करेंगे, तो यहाँ इनसे 2 स्क्वायर रूट ए ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ जाएगा इनसे 10, फिर दोनों साइड को 2 पर डिवाइड करेंगे, इसको भी 2 पर डिवाइड करेंगे, उसको भी 2 पर डिवाइड करेंगे, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 1 2 2 5 10, तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ए इज इक्वल टू 5। इसके बाद क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, इस तरफ भी और इस तरफ भी, इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ जाएगा ए इज इक्वल टू इन साइड किया जाएगा 25, एक वैल्यू हमारे पास आ गई 25। अब क्या करते हैं, बी की वैल्यू को फाइंड करेंगे, तो उनके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को लेते हैं या इक्वेशन नंबर 2 को लेते हैं, 1 या दोनों एक, हम 2 को लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को लेते हैं, तो क्या है, वो है ए माइनस बी इज इक्वल टू 9। तो यहाँ ए की जगह किसको पुट करेंगे, ए की जगह 25 को, तो यहाँ जाएगा 25 माइनस बी इज इक्वल टू 9। उसके बाद क्या करेंगे, 25 को इस साइड पर लाएं, यहाँ जाएगा माइनस बी इज इक्वल टू 9 माइनस 25। उसके बाद यहाँ जाएगा माइनस बी इज इक्वल टू, इनसे आ जाएगा माइनस 16। इसके बाद माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस वन, ये माइनस कैंसिल, यहाँ जाएगा बी इज इक्वल टू 16,
बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 16, ए की वैल्यू आ गई 25 और बी की आ गई 16। ये उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने ये दो वैल्यू फाइंड की है ये करेक्ट कह रहा हूँ, तो उनके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन नंबर वन को लेते हैं, वो क्या है, स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी इज इक्वल टू 9। तो यहाँ ए किसके बराबर है, ए बराबर है 25 के, तो 25 का स्क्वायर रूट ले लो तो इनसे आता है 5। प्लस बी किसके बराबर है 16 के, तो 16 का स्क्वायर रूट ले लो तो इनसे क्या आता है 4। इसके बाद 5 प्लस 4 इनसे 9 आता है, 9 इज इक्वल टू 9। हमारे पास पहला इक्वेशन वो करेक्ट आ गया। अब दूसरे इक्वेशन को प्रूव करते हैं, माइनस बी इज इक्वल टू 9। तो यहाँ ए की जगह किसको पुट करेंगे, ए की जगह 25 को माइनस बी की जगह 16 को इज इक्वल टू 9। इनसे क्या आता है 9 इज इक्वल टू 9। ये हमने जो वैल्यू फाइंड की वो करेक्ट है।